Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your English teacher, and today I'm here to teach you English of class 2. Today our topic is mouse cousins. So we have to do part 2 from this topic, that is mouse cousins. तो पिछली बार हमने part 1 में ये जो हमारा mouse cousins topic जो है ना, उसमें जो story जो है mouse cousin के बारे में हमने story पढ़ा था. And जाते जाते हमने आप सबको बता दिया था कि पार्ट टू में इसी टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारा हार्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है इस टॉपिक से, तो वही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये बताया था ना आप सबको मैंने, तो आज उसी तरीके से हम पार्ट टू में ये जो वर्ड मीनिंग जो है एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, हम बहुत सारा जो है वो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि अगर आप ये टॉपिक जो है दैट इज माउस कजन्स एक बार आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, जो आने वाला जो ऑब्जेक्टिव्स जो है आप बहुत अच्छी तरीके से आसान से आप कर पाएंगे. ये भी बताया था मैंने, है ना, तो आप लोग ने शायद पढ़ा ही होगा, है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते ही हो आप लोग, है ना. तो आज अगर आप लोग ने पढ़ा है तो हम ये जो आज जो सॉल्व करने जा रहे हैं आप लोग हमारे साथ साइड बाय साइड सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पर वर्ड मीनिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपको बता देते हैं कि इस स्टोरी में क्या है, एक थोड़ा सा हम समरी कर लेते हैं. ठीक है, रिकैप कर लेते हैं कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा. अब लाइन बाय लाइन तो डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, पर जो भी किया था एक बार हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, यानी इस स्टोरी में माउस कजन यानी कि टू माउस कजन के बारे में हमने देखा. कजन यानी कि चचेरे भाई को, भाई बहन को हम क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं. और उसी तरीके से ये जो माउस कजन स्टोरी में हमने टू कजन के बारे में देखा जिसका नाम चिकी और टीनी था, है ना. टीनी जो कंट्री साइड में रहता था यानी कि टाउन से दूर यानी कि शहर से दूर, है ना, एंड चिकी जो है वो शहर में रहता था. और एक दिन इसी तरीके से क्या हुआ, चिकी जो है टीनी के पास आ गया उसको मिलने के लिए, क्योंकि वो कजन है ना, तो इसी तरह से मिलने के लिए आ गया वो. पर क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद जब आ गए पर वहाँ पर खाने के लिए बहुत हार्ड सीट था, यानी कि चबाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था, वो खा भी नहीं पा रहा था जब टीनी ने उसको दिया, है ना. एंड सोने के लिए भी बहुत प्रिकली बेड था, यानी कि बहुत चुभता था वो बेड, है ना. तो क्या किया उसने, चिकी ने टीनी कहा कि चलो हमारे साथ चलते हैं शहर में, क्योंकि शहर में तो तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से सोने को मिलेगा, है ना. तो टीनी जो है चिकी के साथ चला गया. जाते जाते बहुत लेट हो गया था, है ना, जब वो लोग शहर पहुंच गए थे. तो चिकी जब शहर पहुंच गए तो उन्होंने क्या किया, चिकी ने अपने भाई टीनी को दिखाया कि वो कहाँ पर सोता है ना. और वहाँ पर कटन से बनाया हुआ, कटन का जो कपड़ा जो होता है ना, पुराना कपड़ा उससे बनाया हुआ बहुत मुलायम सा बेड वहाँ पर था, है ना. तो जब उन लोग को बहुत ज्यादा भूख लगा था तो चिकी ने टीनी को डाइनिंग रूम में लेके चला गया. डाइनिंग रूम किसका था, और बहुत रिच मैन का था, है ना. तो जब वो लोग आराम से डाइनिंग रूम में केक ये सब खा रहे थे, केक चीज आराम से खा रहे थे, है ना, तब क्या हुआ, अचानक से उस रिच मैन का कैट ने क्या कर दिया, उन लोग के ऊपर हमला कर दिया, है ना. तो क्या हुआ, सब ये दोनों चिकी एंड टीनी सोए डर से भागने लगे. पर क्या हुआ, जब वो लोग भाग रहे थे तब टीनी को क्या फील हुआ कि उनका जो धड़कन जो का हार्ट जो अब भी बाहर निकल के आएगा, है ना, बहुत घबराहट हो रहा था इसलिए. तो क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, टीनी ने क्या कहा कि जब ये बिल्ली यहाँ से चला जाएगा तो मैं भी अपना घर अपने कंट्री साइड अपने गाँव चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, यही कहा. तब चिकी ने क्या कहा, अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो, है ना. तो टीनी ने क्या कहा, देखो डर डर के इतना अच्छा अच्छा केक चीज खाने से तो अच्छा है कि मैं सुकून से आराम से जो मेरा हार्ट सीट जो है वही खाऊंगा, है ना, ये कहा. और उसके बाद वो अपना घर जो है चला गया. ये था हमारी स्टोरी, है ना. तो उसमें हमने बहुत सारा हार्ड वर्ड्स देखा, तो उसका ही वर्ड मीनिंग आज देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 में है कंट्री साइड. C-O-U-N-T-R-Y-S-I-D-E, countryside. So, meaning of countryside is land
नॉट इन टाउन, यानी कि जो लैंड जो टाउन में नहीं है, टाउन से दूर है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंट्री साइड। नंबर टू कजन्स, सी ओ यू एस आई एन एस, कजन्स। सो कजन्स का मीनिंग क्या है, अ चाइल्ड ऑफ वंस अंकल एंड आंट, यानी कि चचेरे भाई बहन को हम कजन्स बोलते हैं, एंड चचेरे भाई बहन कौन है, हमारे अंकल और आंटी का जो चिल्ड्रन जो होता है उनको हम बोलते हैं, है ना। उसके बाद नंबर थ्री में है सन्नी, एस यू एन एन वाई, सन्नी। और क्या है मीनिंग सन्नी का, ब्राइट विथ सनलाइट, यानी कि बहुत अच्छी तरह से धूप लग जाता है ना, बहुत अच्छी तरह से धूप है, सुबह जब हम उठते हैं तो हम बोलते हैं ना व्हाट अ सनी डे, यानी कि बहुत अच्छी तरह से धूप लगा है ना। तो बहुत जब बहुत ज्यादा कुआ होता है बाहर तो हम क्या बोलते हैं, फॉगी, कुआ को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉगी बोलते हैं, तब हम बोलते हैं ना व्हाट अ फॉगी डे। तो इसी तरीके से सनी डे यानी कि बहुत ब्राइट सनी डे, यानी कि बहुत धूप लगा है अच्छी तरीके से, दैट इज सनी। नंबर फोर स्ट्रॉ, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रॉ। सो मीनिंग ऑफ स्ट्रॉ इज ड्राई स्टॉक ऑफ ग्रेन, स्ट्रॉ का मतलब जो डंडा जो होता है ना, ग्रेन यानी कि अनाज, जो अनाज का जो सूखा हुआ जो डंडा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ बोलते हैं। एंड ये जो स्ट्रॉ जो है शायद आप सबको पता ही होगा कि छोटे छोटे कट करके हम काउ बुफेलो ऑक्स को भी देते हैं खाने के लिए, है ना, उन वो लोग ये सब खाते हैं। जब हम ये स्ट्रॉ जो है छोटा छोटा कट करके पानी भिगो के देते हैं तो खाते हैं ना काउ एनिमल, है ना। तो स्ट्रॉ क्या है, जो हमारा अनाज जो होता है, अनाज का सूखा हुआ जो डंडा जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रॉ, ठीक है। नंबर फाइव बान, बी ए आर एन बान, एंड द मीनिंग ऑफ बान इज फार्म हाउस यूज टू कीप ग्रेन, क्या है, फार्म हाउस यूज टू कीप ग्रेन, यानी कि जो जो फसल करते हैं हम, है ना, अनाज का बहुत ज्यादा अनाज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, तो ये जो अनाज जो है हम घर के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि घर पर हमारे जो सोने के लिए बेड अलग ही होता है, रूम अलग ही होता है, खाना बनाने के लिए रूम अलग ही होता है, खाना खाने के लिए रूम अलग ही होता है। तो ये जो अनाज जो है बहुत सारा होता है अनाज जो घर के अंदर हम नहीं रख सकते हैं, तो अनाज रखने के लिए जो फार्म जो होता है उसमें हम अलग एक घर बनाते हैं छोटा सा अनाज रखने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बान, बी ए आर एन बान। तो नंबर सिक्स में क्या है हमारा, रेस्ट, आर ई एस टी रेस्ट, एंड द मीनिंग ऑफ रेस्ट इज रिलैक्स, आर ई एल ए एक्स रिलैक्स, यानी कि आराम करना, ठीक है, क्या है रेस्ट यानी कि रिलैक्स यानी कि आराम करना। नंबर सेवन गैदर्ड, जी ए टी एच ई आर ई डी गैदर, सो द मीनिंग ऑफ गैदर इज कम टुगेदर, यानी कि सब जब एक साथ आते हैं तो हम क्या बोलते हैं गैदर, ठीक है। नंबर एट सीड्स, एस ई डी एस सीड्स, सीड्स का मीनिंग है ग्रेन्स यूज्ड फॉर सोइंग, क्या है, ग्रेन्स यूज्ड फॉर सोइंग, यानी कि जो हम अनाज जो होता है जो हम नहीं खाते हैं पर अगले साल वही फसल करने के लिए रखते हैं ना, जो बीज जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं सीड्स बोलते हैं, जो बीज जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं सीड्स। नंबर नाइन च्यू, सी एच ई डब्ल्यू च्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ च्यू, टू क्रश विथ द टीथ, क्रश कुचलना है ना, पर क्या है जब भी हम खाना खाते हैं अपने दांतों से अच्छी तरह से चबा के खाते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो चबा के नहीं खाता है, ऑब्वियसली सब के सब चबा के ही खाते हैं, तो जो हम चबा के खाते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं च्यू, क्या बोलते हैं च्यू, सी एच ई डब्ल्यू च्यू। नंबर टेन स्पैट, एस पी ए टी स्पैट, यानी कि थूकना, स्पैट क्या है थूकना, टू थ्रो एनीथिंग फ्रॉम द माउथ, तो हम मुंह से ना थूकते हैं, है ना, तो स्पैट क्या है थूकना। इलेवन प्रिकली, पी आर आई सी के एल वाई प्रिकली, स्टीफ एंड शार्प, जो बहुत हार्ड होता है बहुत नोखीला होता है कितना चुभता है ना, तो बहुत जो चुभता है ना उसे हम क्या बोलते हैं प्रिकली, जैसे कि सुई जो होता है कितना चुभता है ना कितना नोखीला होता है, तो सुई कैसा है प्रिकली है, वो इस जो नोखीला चीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रिकली, ठीक है।
तो नंबर 12 रीज़, REACHED रीज़, अराइव एट यानी कि पहुंचना, रीज़ का मतलब क्या है, पहुंचना। 13 सोर्ट, SHOWED सोर्ट, अलाउ टू बी विजिबल यानी कि दिखाना, विजिबल का मतलब सबको दिखाई देना है ना, तो सोर्ट का मतलब क्या है, दिखाना सबको, ठीक है। नंबर 14 नेस्ट, NEST नेस्ट मीनिंग लिविंग स्पेस यानी कि जहां पर रहते हैं, है ना, तो जहां पर कोई भी चूहा या फिर कोई चिड़िया जो रहता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, नेस्ट, क्योंकि हम जहां पर रहते हैं इंसानों का तो होम होता है ना, एंड जो चूहा और चिड़िया जहां पर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्ट। नंबर 15 रैग्स, RAGS रैग्स, रैग्स का मीनिंग क्या है, अ पीस ऑफ ओल्ड क्लॉथ यानी कि जो कपड़ा का जो टुकड़ा जो होता है, पुराना कपड़ा का जो टुकड़ा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैग्स, ठीक है, जो पुराना कपड़ा का जो टुकड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, रैग्स। नंबर 16 डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग, ROOM रूम, क्या है डाइनिंग रूम का, रूम वेयर वी ईट फूड, डाइनिंग रूम क्या है, एक ऐसा रूम है जहां पर हम खाना खाते हैं, ठीक है, क्या है डाइनिंग रूम, एक ऐसा रूम है जहां पर हम खाना खाते हैं। नंबर 17 TASTY टेस्टी यानी कि डिलीशियस, DELICIOUS डिलीशियस यानी कि बहुत जो स्वादिष्ट होता है ना उसे हम क्या बोलते, डिलीशियस, जब बहुत टेस्टी होता है, बहुत बहुत मीठा होता है तो हम क्या बोलते हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी है आज का खाने, ऐसा बोलते हैं ना, तो टेस्टी का हम क्या बोलते हैं, डिलीशियस यानी कि बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, ठीक है। नंबर 18 PROUDLY प्राउडली यानी कि BOLDLY बोल यानी कि अहंकार से भरा हुआ, है ना, यानी कि जो हम जब बहुत अहंकार से भरे हुए जो बोलते हैं ना किसी को नीचा दिखाते हुए कभी कभार, है ना, और दूसरा प्राउडली है गर्व फील करना यानी कि जब भी हम बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स लेके आते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है कितना गर्व फील करते हैं ना, कितना अच्छा महसूस करते हैं, है ना, सीना चौड़ा हो जाता है उन सब का, है ना, तो दैट इज प्राउडली, ठीक है। 19 स्नार्ल, SNARL क्या है मीनिंग, एंग्री ग्राउल यानी कि बिल्ली जो है जब भी चूहा का देखता है एक अजीब सा गुस्सा वाला जो आवाज निकलता है ना, दैट इज स्नार्ल यानी क्या है, गुस्सा वाला जो आवाज निकालता है बिल्ली जब चूहा को देखता है, या फिर जब भी हम बिल्ली को पिटाई करते हैं, है ना, या फिर गलती से उनका पैर, उनका हाथ या फिर पूंछ जो है कुचल जाए तो कितना गुस्सा वाला जो आवाज निकालता है ना, तो दैट इज स्नार्ल, ठीक है। 20 पाउंस्ड, POUNCED पाउंस्ड, तो पाउंस्ड का मीनिंग क्या है, अटैक करना, क्या है, अटैक, ATTACK अटैक, पाउंस्ड क्या है, अटैक। 21 पाउंडिंग, POUNDING पाउंडिंग, पाउंडिंग का मीनिंग क्या है, रिपीटेड और हेवी स्ट्राइकिंग यानी कि जल्दी जल्दी से जो जो जब भी हम हमें बहुत घबराहट होता है तो हम हमारा हार्ट कैसे होता है, डुक 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 ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी से होता है ना, दैट इज पाउंडिंग, जिसके महसूस हो रहा है कि अभी इतना जल्दी जल्दी धड़कने से अभी बाहर निकल के आ रहा है, बहुत घबराहट होता है जब होता है ना, दैट इज पाउंडिंग। 22 फियर, FEAR फियर, फियर का मीनिंग क्या है, अफ्रेड, AFRAID अफ्रेड यानी घबराहट होना, फियर अफ्रेड यानी कि घबराहट होना। 23 सून, SOON सून यानी कि जल्दी, है ना, मीनिंग क्या है इंग्लिश में, शॉर्टली, SHORTLY शॉर्टली यानी कि बहुत जल्दी, ठीक है। 24 क्यू, CHEW क्यू यानी कि चबाना, उसे मसलना, चबाना, हम जो दांतों से करते हैं जब खाना खाते हैं, दैट इज क्यू, एंड मीनिंग इंग्लिश मीनिंग इज ग्राइंड, GRIND ग्राइंड, ओके। तो ये हुआ हमारा इस टॉपिक का व्हाट मीनिंग, तो अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1
चीकी वॉज अ डैश मॉस। कंट्री मॉस या फिर सिटी मॉस था चीकी। हाँ चीकी जो है, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा है ना तो आपको पता ही होगा, तो चीकी जो है वो कंट्री माउस था या सिटी माउस। चीकी जो है वो कौन है, वो सिटी माउस। तो सिटी का हम टिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे सिटी। ठीक है, नंबर टू, टीनी वॉज अ डैश माउस। टीनी कंट्री माउस था या सिटी माउस था वो लिखना है आपको। एंड टीनी जो है वो क्या है, वो कंट्री माउस है। तो कंट्री का हम टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्री। ठीक है, नंबर थ्री, चिकी एंड टीनी वेयर नंबर ए कजन्स एंड नंबर बी फ्रेंड्स। चिकी एंड टीनी जो है वो चचेरे भाई बहन है या फिर दोस्त है। कौन है, चिकी एंड टीनी चचेरे भाई बहन, यानी कि हम क्या करेंगे, कजन्स को टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद चिकी वेंट टू विजिट हिज। चिकी किसको मिलने के लिए गया था, अपने दोस्त को मिलने के लिए गया था, नंबर ए फ्रेंड है ना, तो अपने दोस्त को मिलने के लिए गया था या फिर अपने चचेरे भाई को मिलने के लिए गया था। चिकी अपने चचेरे भाई को मिलने के लिए गया था, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कजन। चिकी वेंट टू विजिट हिज कजन। ठीक है, एंड कजन में सी सी ओ यू एस आई एन, क्योंकि एक ही भाई है ना, तो सी ओ यू एस आई एन होगा। C-O-U-S-I-N cousin, क्योंकि टीनी ने उनका कजन है, दोस्त तो नहीं है, so चिकी went to visit his cousin. Number five, टीनी was dashed to see his cousin. तो टीनी ने जब अपने भाई को देखा, अपने कजन को देखा, तो क्या हो गया, वो बहुत दुखी हो गया या फिर बहुत खुशी हो गया था वो। टीनी was happy, H-A-P-P-Y, happy to see his cousin. नंबर सिक्स, सिटी माउस वॉज फीलिंग फुल हंग्री। सिटी माउस जो है वो बहुत उसका पेट भर गया था या फिर बहुत भूख लग रहा था सिटी माउस को। सिटी माउस वॉज फीलिंग हंग्री, तो बी में टिक करेंगे हम, है ना, यहाँ पर हैप्पी बी में टिक करेंगे एंड यहाँ पर हंग्री, एंड सिटी माउस को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था तो हंग्री है, तो हम बी में टिक करेंगे। ठीक है, तो नंबर सेवन, टीनी गैदर्ड सम डैश फॉर हिज कजन टू ईट। तो टीनी ने क्या लेके आया, उन्होंने क्या गैदर किया अपने भाई के लिए, क्या खाने के लिए गैदर किया उन्होंने, एक है एक अनाज सीड्स है ना, एंड बी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ने किया था उन्होंने, तो टीनी ने क्या गैदर किया था अपने भाई के लिए, सीड्स। तो एस ई डी एस सीड्स, तो यहाँ पर हम सीड्स को टिक करेंगे। ठीक है, नंबर एट, The city mouse put a dash into his mouth. तो city mouse ने अपने मुंह के अंदर क्या डाला? The city mouse put a एक seed, यानी कि उन्होंने बीज डाला था मुंह के अंदर, या फिर fruits डाला था उन्होंने मुंह के अंदर, seed डाला था, है ना, तो हम seed में टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे seed. ठीक है, नंबर नाइन, द टू माइस सेट ऑफ फॉर द डैश। जो दो चूहा यानी कि चीकी और टीनी जो है कहाँ जाने के लिए निकल गया, वो एक है विलेज यानी कि गांव और दूसरा है टाउन यानी कि शहर। कहाँ पर जाने के लिए वो निकल गया, टाउन, बी टाउन, तो बी को टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टाउन। उसके बाद नंबर टेन, चीकी सो टीनी द प्लेस वेयर ही, यानी कि चिकी ने अपने भाई टीनी को क्या दिखाया, कौन सा प्लेस दिखाया, वो जहाँ पर खेलता है वो वाला प्लेस दिखाया, या फिर जहाँ पर वो रहता है वो वाला प्लेस दिखाया, कौन सा वाला प्लेस दिखाया। चिकी सो टीनी द प्लेस वेयर ही लिव, यानी कि वो जहाँ पर रहता है वही प्लेस दिखाया चिकी ने अपने भाई को, टीनी को। ठीक है, नंबर इलेवन, चिकी लेड हिज कजन्स टू अ रिच मैन्स किचन डाइनिंग, यानी कि चिकी ने अपने भाई टीनी को खाना खाने के लिए जो रिच मैन जो है, रिच मैन के किचन यानी कि जहाँ पर खाना पकाए जाते हैं, डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना खाए जाते हैं, तो चिकी ने टीनी को जहाँ पर खाना पकाए जाते हैं किचन या फिर डाइनिंग रूम लेके गया था। कहाँ पर लेके गया था, वो डाइनिंग रूम। तो हम क्या करेंगे, डाइनिंग रूम को
टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 12, एवरीथिंग वॉज सो, नंबर ए टेस्टी, नंबर बी बीटर। बीटर यानी कि बहुत तीता जो होता है खाना है ना, वो जो अच्छा नहीं होता है, एंड टेस्टी बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर चिक्की ने अपने भाई टीनी को खाना खाने के लिए लेके गया था, और जहाँ पर जो खाना जो है सब बहुत टेस्टी था या फिर बहुत तीता था, कैसा था वहाँ पर खाना? बहुत टेस्टी था। तो नंबर ए टेस्टी में हम टिक करेंगे, ठीक है। So after this, number 13, they heard the loud snarl of a cat dog. तो उन्होंने क्या है सुने? उन्होंने एक बहुत गुस्सा वाला किसका आवाज सुना उन्होंने? बिल्ली का या फिर डॉग का? किसका आवाज सुना उन लोग ने? चिक्की और टीनी ने? कैट का, है ना। तो ए कैट में हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। 14, it was the rich man's dash cat. तो वो क्या था? वो जो रिच मैन जो है, जो गुस्सा करके जो आवाज निकाल रहा था टीनी और चिक्की को देख के, है ना, वो किसका बिल्ली था? वो एक रिच मैन का, तो पालतू बिल्ली था या फिर जंगली बिल्ली था? कौन सा बिल्ली था? इट वॉज द रिच मैन्स डैश कैट, यानी कि पेट कैट। तो पेट को हम टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पेट, पी ई टी, पेट। नंबर 15, एट वंस द कैट पाउंस्ड ऑन द डैश मैन। तो एक बार में ही वो बिल्ली जो है, जो रिच मैन का जो बिल्ली जो है, किसके ऊपर जंप किया? कितना चूहा था वहां पर? दो या तीन? सिर्फ दो ही था ना, दैट इज चिक्की एंड टीनी। यानी कि हम क्या करेंगे? टू में टिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नंबर 16, बोथ चिक्की एंड टीनी जंप्ड ऑफ द टेबल इन ग्रेट। यानी कि चिक्की एंड टीनी जो है अचानक से वो लोग टेबल से जंप किया। क्यों जंप किया? बहुत जब घबराहट रहा था इसलिए जंप किया, या फिर बहुत एंजॉय कर रहे थे वो लोग, बहुत मजाक कर रहे थे इसीलिए जंप किया वो लोग ने टेबल से? चिक्की और टीनी ने, वो लोग डर गए थे क्योंकि वहां बिल्ली आ गया था, है ना। तो हम क्या करेंगे? फियर में टिक करेंगे। नंबर 17, दे रैन इनटू अ डैश इन अ वॉल। यानी कि वो लोग जो है डरते हुए चिक्की और टीनी जो है कहां पर दौड़ के चला गया? जो वॉल में, यानी कि दीवार में जो क्लॉक है वहां पर दौड़ के चला गया, या फिर जो दीवार में जो छेद है यानी कि होल जो है वहां पर दौड़ के चला गया, होल के अंदर, है ना, बिल्ली से छिपने के लिए। तो क्या है? होल में टिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे होल, ठीक है। एंड नंबर 18, द कंट्री माउस कुड फील हिज डैश पाउंडिंग। जो कंट्री माउस जो है उन्होंने सबसे पहली बार देखा था ऐसा, है ना। तो जब ऐसा देखा था तो कंट्री माउस को कैसा फील हुआ? क्या उसका क्या निकल, अभी घबराहट की वजह क्या बाहर निकल के आ रहा है? बहुत जल्दी जल्दी से डुक हो रहा है। कौन, क्या हो रहा है? सर, हेड या फिर हार्ट? हार्ट, है कि वो घबराहट से उनका क्या फील हो रहा था उससे, उनका हार्ट जो अभी बाहर निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पर हार्ट टिक कर दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे हार्ट, ठीक है। सो आफ्टर दिस अब हम देखेंगे नंबर 19। नंबर 19, ईटिंग हार्ड सीड्स विदाउट फियर इज बेटर देन ईटिंग क्रीमी केक इन नंबर F1 एंड नंबर B फियर। यानी कि जो हार्ड सीड्स जो होता है, बहुत हार्ड बीज जो होता है ना, वो आराम से खाना अच्छा है ना। यानी कि जो क्रीमी केक, बहुत डिलीशियस केक जो होता है, वो कब खाना अच्छा नहीं है? फियर या फिर फन, यानी कि फियर, यानी कि अब आराम से जो हम हार्ड सीड्स जो होता है, आराम से बिना घबराए वो खाना अच्छा है। यानी कि जो हम डर डर के क्रीमी केक खाते हैं ना, वो खाने से बेहतर क्या है? जो हम हार्ड सीड्स खाते यही अच्छा है, है ना। एंड नंबर 20, इट वॉज डैश व्हेन दे रीच द टाउन। तो जब वो लोग शहर पहुंच गए थे तो क्या हो गया था? बहुत देर हो गया था या फिर जल्दी हो गया था? क्या हो गया था? बहुत देर हो गया था ना। तो हम क्या करेंगे? ए लेट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नंबर 1, जब ट्रू है सही है तो आपको ट्रू लिखना है, गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। नंबर 1,
द स्टोरी इज अबाउट अ कैट एंड अ माउस. तो ये जो स्टोरी जो है एक चूहा और बिल्ली का स्टोरी है, नहीं है. द आंसर विल बी फॉल्स. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स. नंबर टू, चिकी एंड टीनी वेयर एनिमीज. चिकी एंड टीनी जो है वो दुश्मन थे दोनों एक दूसरे के, नहीं. तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. नंबर थ्री, टीनी इज अ कंट्री माउस. तो टीनी जो है शहर से दूर कंट्री साइड में रहता था वो, यस. द आंसर विल बी ट्रू. नंबर फोर, चिकी इज अ सिटी माउस. तो चिकी जो है वो सिटी माउस है, यानी कि शहर में रहता है चिकी, यस. द आंसर विल बी ट्रू. चिकी वेंट टू विजिट हिज कजन. तो चिकी जो है अपने भाई अपने कजन को भेटने मिलने के लिए गया था वो, हाँ सही है. तो आंसर क्या होगा, ट्रू. नंबर सिक्स, टीनी मेड अ सॉफ्ट बेड फॉर हिज कजन. तो टीनी ने बहुत मुलायम सा बेड बनाया अपने भाई के लिए, क्या है, नो. यानी कि गलत है वो. तो गलत है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स. नंबर सेवन, टीनी वेंट बैक टू टाउन. टीनी जो है वापस लौट के अपना टाउन चला गया वो, नहीं, अपने घर चला गया था, है ना, कंट्री साइड में. तो क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स, ये गलत है. नंबर एट, द माइस एट ब्रेड चीज एंड केक इन द सिटी. यानी कि माइस यानी कि माउस का हम जब दो होता है तो माइस बोलते हैं. तो टीनी या चिकी ने ब्रेड चीज केक ये सब खाया था शहर जाके, यस. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू. नंबर नाइन, द डॉग पाउंस ऑन द माइस. यानी कि जो जब टीनी या चिकी जो खाना खा रहा था जब, है ना, तो अचानक से डॉग आ गया था जंप करके उसके ऊपर, नहीं, गलत है ये, है ना. तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. नंबर टेन, द टू माइस रैन इनटू अ होल इन द वॉल. यानी कि दो चूहा जो है दौड़ते हुए जो होल जो है वॉल के उनके अंदर चला गया था, यस. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रू, क्योंकि ये सही है. अच्छा, तो ये है हमारा ट्रू एंड फॉल्स. तो ये भी हो गया हमारा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड. यानी कि यहाँ पर अनस्क्रैम्बल जो है, आप लोग का अनस्क्रैम्बल यहाँ पर क्या होगा, आपका फिल इन द गैप्स होगा. ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो गैप है उसका आप लोग को सही भरना है, है ना, आपको फिलअप करना है. जैसे कि एम डैश यू डैश ई. तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से पता है तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, है ना, माउस, एम ओ यू एस ई, माउस. नंबर टू, सी डैश टी डैश. क्या लिखना है आपको यहाँ पर, सी आई टी वाई सी टी. यानी कि ये जो पूरा वर्ड जो है ये सब आपके जो टॉपिक जो है उसके अंदर सही है. नंबर थ्री, सी ओ डैश एन टी डैश वाई. तो क्या रहेगा, सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री. नंबर फोर, एस ई डी एस सी. नंबर फाइव, एस डैश एन एन डैश. क्या होगा, एस यू एन एन वाई सन. ये पूरा देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जितना भी वर्ड है सब आपकी बुक के अंदर सही है, है ना. सी डैश ई डब्ल्यू. क्या होगा यहाँ पर, सी एच ई डब्ल्यू क्यू. पी डैश टी. क्या होगा, पी ई टी. सी डैश टी. क्या होगा, सी ए टी. देखिए सब बुक के अंदर सही है ना, ये स्टोरी जो इसके अंदर सही है. नंबर नाइन, सी आर डैश ए एम डैश. तो क्या होगा यहाँ पर, सी आर ई ए एम वाई, क्रीमी. नंबर टेन, एच ओ डैश ई. क्या होगा, एच ओ एल ई, होल. ठीक है, तो अब अपोजिट वर्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक या दो ही करेंगे क्योंकि पूरा तो हम फिलअप नहीं कर सकते हैं, है ना. तो आपको भी तो होमवर्क चाहिए. तो इसे यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं सिर्फ एक या दो ही करेंगे,
और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी है आपको, जो आपको अगर टॉपिक जो अच्छी तरीके से पता है तो आप कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ काम सिर्फ आधा करेंगे, आधा जो है आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि पिछले बार हमने आपको होमवर्क दिया था ना, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा आपका होमवर्क रहेगा। वन एंड टू ही हम फिलअप करेंगे, ठीक है। सिटी, सिटी का क्या होगा यहाँ पर अपोजिट, यानी कि शहर का क्या होगा विलेज, यानी कि गांव, है ना। स्लीप यानी कि सोना, सोना यानी जगह रहना, क्या है अवे, यानी कि हंग्री यानी कि भूख लगना, है ना। हंग्री यानी कि फूल, यानी कि पेट भर जाना, हंग्री यानी कि फूल, ठीक है, पेट भर जाना। गुड, गुड का क्या होगा बैड, बी ए डी बैड, ठीक है। अब नंबर फाइव, च्यू का क्या होगा यानी कि चबाना, चबाना का ऑपोजिट क्या होगा आपका होमवर्क रहेगा ये, ठीक है, आपको खुद से करना, क्योंकि खुद से भी तो करना है ना हम सबको, तो क्या होगा आपको करना है। एंड यहाँ पर भी हार्ड, हार्ड यानी कि बहुत हार्ड जो होता है उसको क्या होगा सॉफ्ट, है ना। नंबर सेवन, कम, कम का क्या होगा गो, यानी कि आना, यानी कि गो यानी कि जाना। नाइट, नाइट का क्या होगा यानी कि रात, नाइट क्या होगा वो डे। बैक यानी कि पीछे, बैक का क्या होगा फ्रंट, एफ आर ओ एन टी, फ्रंट यानी कि आगे। अब बेटर का क्या होगा, है ना, आपको होमवर्क है, आपको बेटर का भी ढूंढ के लिखना है और आपको क्यू का भी लिखना है, यानी कि दोनों क्या है आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए, अब आपको भी तो करना चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको ये दो होमवर्क है आपको करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर वन, हु वाज चिकी, यानी कि चिकी कौन था, चिकी वाज अ सिटी माउस, यानी चिकी जो है वो क्या था, वो कौन था, वो सिटी माउस था। हु वाज टीनी, टीनी कौन था, टीनी वाज अ कंट्री माउस, यानी कि जो टाउन से दूर रहता था, ठीक है। नंबर फोर, हु वेंट, नंबर थ्री, हु वेंट टू विजिट हिज कजन, तो कौन गया था अपने कजन को मिलने के लिए, चिकी वेंट टू विजिट हिज कजन, यानी कि चिकी गया था। नंबर फोर, हु पुट अ सीड इनटू हिज माउथ, तो किसने अपने मुंह के अंदर जो है वो बीज जो है वो डाला था, द सिटी माउस, सिटी माउस यानी कि चिकी, है ना, द सिटी माउस पुट अ सीड इनटू हिज माउथ। नंबर फाइव, हु ट्राइड टू च्यू अ सीड, यानी किसने जो सीड जो अनाज जो है चबाने का कोशिश किया था, किसने किया था कोशिश, चिकी ट्राइड टू च्यू अ सीड, यानी कि चिकी ने कोशिश किया था वो अनाज जो है वो चबाने के लिए। नंबर सिक्स, हु पाउंस ऑन द माइस, तो किस अचानक से जंप किया वो दो चूहा के ऊपर, द कैट पाउंस ऑन द माइस, तो वो जो दो चूहा है उन्होंने जंप कर दिया था अचानक से, जो दो चूहा जो उसके ऊपर कैट ने जंप कर दिया था अचानक से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, हु वेंट बैक होम, तो कौन घर लौट गया था लास्ट में, टीनी वेंट बैक टू हिज होम, यानी कि टीनी अपना घर जो है लौट गया, यानी कंट्री साइड में चला गया वो फिर से, है ना। नंबर एट, हु हर्ड द लाउड स्नार्ल ऑफ अ कैट, तो किसने सुना कि बहुत गुस्से से बिल्ली जो आवाज निकाला, किसने सुना, चिकी एंड टीनी, चिकी एंड टीनी हर्ड द लाउड स्नार्ल ऑफ अ माउस, तो चिकी एंड टीनी ने सुना था कि बिल्ली ने बहुत गुस्सा करके आवाज निकाला है, चिकी एंड टीनी ने सुना था। ये हो गया वेरी शॉर्ट। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा लंबा, ठीक है। नंबर वन, हु वेयर चिकी एंड टीनी, कौन था चिकी एंटीनी, चिकी एंटीनी वेयर कजन, तो चचेरे भाई बहन था दोनों, है ना, चिकी एंटीनी। नंबर टू, व्हाट डिड टीनी गैदर फॉर हिज कजन चिकी टू ईट, तो टीनी ने क्या लेके आया था अपने भाई के लिए खाने के लिए, क्या लेके आया था वो, टीनी गैदर सम सीड्स फॉर हिज कजन चिकी टू ईट, यानी कि टीनी ने अपने भाई चिकी के लिए थोड़ा बहुत अनाज लेके आया था खाने के लिए, ठीक है। नंबर थ्री, वेयर टीनी
मेड अ बेड फॉर हिज कजन। तो किसने तो टीनी ने कहा बनाया था अपने भाई के लिए सोने के लिए प्लेस। टीनी मेड अ बेड ऑफ स्ट्रॉ इन द बार्न फॉर हिज कजन चिकी। तो स्ट्रॉ का मीनिंग आपको पता ही है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एंड बार्न का भी मीनिंग आपको पता ही होगा। तो टीनी ने अपने भाई चिकी के लिए जो जो एक बीज का यानी जो अनाज का जो डंडा जो होता है ना उससे जहाँ पर अनाज रखा जाता है वहां पर अपने भाई के लिए सोने के लिए वहां पर उन्होंने प्लेस जो है बना दिया था टीनी ने चिक्की के लिए। ठीक है। नंबर फोर, व्हेन चिक्की एंड टीनी रीच द टाउन। तो चिक्की एंड टीनी जो है कब टाउन पहुंच गए थे। चिक्की एंड टीनी रीच द टाउन लेटली, यानी कि बहुत देर से चिक्की एंड टीनी जो है वो टाउन पहुंच गए थे। ठीक है। नंबर फाइव, हाउ वाज चिक्की बेड। तो चिक्की का बेड कैसा था जब वो लोग शहर पहुंच गए थे। तो चिक्की ने टीनी को दिखाया ना बेड, तो बेड कैसा था। चिक्की बेड वॉज सॉफ्ट एंड इट वॉज लाइंड विद कॉटन रैग्स, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से था, सॉफ्ट था, एंड जो कॉटन का जो पुराना कपड़ा जो होता है उससे बनाया हुआ बहुत मुलायम सा था चिक्की का बेड। नंबर सिक्स, हु कुड फील हिज हार्ट पाउंडिंग। तो किसको महसूस हो रहा था कि घबराहट की वजह से अब भी उसका हार्ट जो है बाहर निकल के आएगा। किसको फील हो रहा था। द कंट्री माउस कुड फील हिज हार्ट पाउंडिंग। तो कंट्री माउस को फील हो रहा था कि अब भी उसका हार्ट जो है बाहर निकल के आएगा, कंट्री माउस यानी कि टीनी को। ठीक है। नंबर सेवन, व्हाई चिक्की वॉज नॉट एबल टू ईट दैट सीड। तो चिक्की क्यों वो सीड जो है नहीं खा पा रहा था चिक्की। टीनी चिक्की वॉज नॉट एबल टू ईट दैट सीड्स Because it was too hard to chew, यानी कि वो जो सीड जो है बहुत हार्ड था, खाने के लायक ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए चिक्की जो है वो सीड खा ही नहीं पा रहा था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखेंगे लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग देखेंगे अब हम। नंबर वन, व्हाई डिड चिक्की टेक टीनी टू द टाउन। तो चिक्की ने टीनी को क्यों शहर लेके गया। चिक्की टेक टीनी टू द टाउन बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू ईट दैट हार्ड सीड एंड वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑन दैट प्रिकली स्ट्रॉ, सो ही वॉन्टेड टू शो टीनी हाउ ही लिव इन द टाउन। क्योंकि चिक्की जो है टीनी ने जो बनाया था उसके लिए बिस्तर बहुत सूखता था, वो उसमें नहीं सो पा रहे थे वो, एंड जो सीड लेके आया था वो भी नहीं खा पा रहा था, और इसीलिए चिक्की को टीनी शहर ले जाके वो दिखाना चाहता था कि वहाँ पर वो क्या खाता है, किस तरीके से आराम से रहता है, डिलीशियस डिलीशियस क्या क्या खाना खाता है वही दिखाना चाहता था। तो इसीलिए चिक्की ने टीनी को टाउन लेके गया। ठीक है। नंबर टू, वेयर चिक्की लेड हिज कजन टू ईट। तो चिक्की ने अपने भाई यानी कि टीनी को कहाँ पर खाना खाने के लेके गया था। चिक्की लेड हिज कजन टीनी टू अ रिच मैन्स डाइनिंग रूम टू ईट। तो चिक्की ने अपने भाई टीनी को रिच मैन का जो डाइनिंग टेबल जो होता है वहां पर खाना खाने के लिए वो लेके गया था, डाइनिंग रूम जाने की जहां पर खाना खाए जाते हैं। नंबर थ्री, व्हेन चिक्की वेंट टू विजिट हिज कजन। तो चिक्की कब टीनी को मिलने के लिए गया था अपने भाई को। वन सनी मॉर्निंग चिक्की वेंट टू विजिट हिज कजन, यानी कि एक बहुत सनी डे तब चिक्की जो है अपने भाई टीनी को मिलने के लिए गया था। नंबर फोर, हुज कैट पाउंस ऑन द टू माउस। तो किसका बिल अचानक से जंप किया था। इट वॉज द रिच मैन्स पेट कैट हु पाउंस ऑन टू माउस। तो वो रिच मैन का है ना पालतू बिल्ली था जिसने दो चूहा के ऊपर हमला कर दिया। नंबर फाइव, Who was there to eat in the dining room? What was there to eat in the dining room? क्या क्या था खाने के लिए dining room में? There was a bread, cheese and cake to eat in the dining room. तो dining room में खाने के लिए bread, cheese and cake ये सब था खाने के लिए। Number six, why Chicky and Tini jumped off the bed? तो Chicky and Tini जो है क्यों jump किया? अच्छा नक्शे table से? Both Chicky and Tini jumped off the table in great fear because the rich man's pet cat pounced suddenly. क्योंकि वो दोनों जो है अचानक से जंप किया टेबल से, क्योंकि वो रिच मैन का जो पालतू बिल्ली जो है उससे अचानक से
हमला कर दिया था चिकी और टीनी को, इसलिए घबराहट की वजह से वो लोग टेबल से जंप मारा। ठीक है, अब है हमारा नंबर 7, दैट इज व्हाई चिकी एंड टीनी रैन इनटू अ होल इन द वॉल। यानी कि चिकी और टीनी जो है दौड़ते हैं क्यों से, वो छेद जो है वॉल में क्यों वहां पर चला गया। चिकी एंड टीनी रैन इनटू अ होल इन द वॉल इन ऑर्डर टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द कैट। यानी कि उस बिल्ली से बचने के लिए चिकी और टीनी जो है उस वॉल के छेद के अंदर चला गया। नंबर 8, व्हाई डिड टीनी गो बैक टू हिज हाउस इन द कंट्री। और एट द एंड टीनी जो है क्यों अपना घर चला गया, कंट्री साइड में क्यों चला गया। टीनी वेंट बैक टू हिज हाउस इन द कंट्री बिकॉज ही फेल दैट ईटिंग हार्ड स्वीट विदाउट फियर इज बेटर ईटिंग क्रीमी केक्स इन फियर। क्योंकि टीनी को लग गया था कि वो डर डर के इतना डिलीशियस खाना खाने से तो अच्छा मैं अपने अपने घर जाके आराम से वहां पर हार्ड स्वीट खाऊंगा, तो इसलिए टीनी जो है अपना घर चला गया, लौट गए शहर से। ठीक है, तो ये था, ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये सब कंप्लीट हो गया हमारा, है ना माउस कर्सर। तो आपको क्या करना है, जो हमने आपको 2 होमवर्क्स दिए वो करना है, और ये जो पूरा जो हमने आपको आपके लिए किया है तो आपको एक बार फिर से आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है द माउस कजन्स वो कंप्लीट होता है। ओके, तो आपका काम क्या रहेगा, पढ़ना है और 2 होमवर्क दिया है वो आपको करना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।